नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देसी क्रिप्टो में। मैं हूं आपका होस्ट और आज के इस वीडियो में मैं आपको रिपल और बिटकॉइन के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पूछा था रिपल के बारे में और बहुत सारे लोग बिटकॉइन के बारे में भी पूछ रहे थे, तो उसके रिगार्डिंग मैं ये वीडियो बना रहा हूं। और जिन लोगों को भी डाउट है या मुझसे सलाह लेना चाह रहे थे कि रिपल के रिगार्डिंग क्या करना है, पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि रिपल को समझ लो एक बार, वो चीज़ क्या है, और फिर तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हें क्या करना है, ठीक है? फिर मैं बताऊंगा मैंने क्या किया है। तो ये है चीज़। और आगे बढ़ने से पहले जितने भी लोग नए देख रहे हैं इस चीज़ को, वो लोग अगर ऑल्ट कॉइन को परचेज करना है, जितने यहाँ पर दिख रहे हैं ना 5 कॉइन, इसके अलावा अगर दूसरे कॉइन परचेज करने हैं तो नीचे मैंने लिंक दिया है, आप लिंक की मदद से अकाउंट क्रिएट करके बाकी के कॉइन भी परचेज कर सकते हैं। अब बात करते हैं रिपल की। तो बेसिकली रिपल को एक बार तुम समझो, रिपल है क्या चीज़। यहाँ पर कोई एक डेफिनेशन इसकी दी है रिपल की, पहले मैं इसको पढ़ता हूँ, उसके बाद अपने बताऊँगा मैं क्या बता रहा हूँ आप लोग को। ये कह रहे हैं कि द गोल ऑफ रिपल सिस्टम अकॉर्डिंग टू इट्स वेबसाइट इज टू इनेबल पीपल टू ब्रेक फ्री ऑफ द वॉल्ड गार्डन्स ऑफ फाइनेंशियल नेटवर्क्स, क्रेडिट कार्ड, बैंक, पेपल एंड अदर इंस्टीट्यूशन दैट रेस्ट्रिक्ट एक्सेस विद फीस चार्जेज ऑफ करेंसी एक्सचेंज एंड प्रोसेसिंग डिले। अब ये चीज बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया होगा, ठीक है, मैं समझाता हूँ क्या होता है। बेसिकली ऐसा है कि रिपल, बहुत सारे लोग को ऐसा लगता है कि रिपल जो है ये भी जैसे बिटकॉइन है, इथेरियम है, वैसे रिपल भी एक क्रिप्टो करेंसी है, जो कि सोचना उनका सही है, करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी है, लेकिन जो बिटकॉइन और इथेरियम और जैसे इन जैसे कॉइन का जो पर्पज है, जो वो काम कर रहे हैं, रिपल उनसे थोड़ा हटके काम कर रहा है। रिपल बना ब्लॉकचेन के ऊपर ही है। रिपल जो है बेसिकली एक सिस्टम है, पूरा एक ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल है, जो कि बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बड़े बैंकिंग फर्म्स के लिए बनाया गया है, उनको ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। काम ये कर रहा है सेम वही, जैसे हम डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं, आप बिटकॉइन का यूज करके क्या करते हैं, एक से दूसरे को भेज रहे हैं, दूसरा आपको भेज रहा है, डायरेक्ट पेमेंट हो रही है आपके और उसके बीच में। सेम काम आप रिपल से भी करेंगे, जब ही आप रिपल भेजेंगे तो आप इधर से उधर रिपल भेजेंगे। लेकिन ये किन लोगों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया, वो थोड़ा सा अलग चीज़ है, तो उसको यहाँ पर समझो एक बार। इन्हें यहाँ पर मेंशन किया है क्रेडिट कार्ड, बैंक, पेपल, और नीचे लिखा है इन्हें एक्सेस विथ फीस चार्जेज फॉर करेंसी एक्सचेंज एंड प्रोसेसिंग डिले। ये मेन पर्पज है रिपल को बनाने का। क्या होता है कि जब भी आप ट्रांसफर करते हैं ना पैसा, जैसे मेरा बंदा है कोई, मैंने किसी क्लाइंट के लिए काम किया, वो ऑस्ट्रेलिया में रहता है, तो जब वो मुझे पैसा भेजेगा तो उसके पास दो तरीके हैं, मेनली दो तरीके से भेजता है। या तो एक बीच की कोई मिडिल एक वेबसाइट होगी जहां पर वो पैसा डालेगा और उस वेबसाइट से मैं पैसा लूंगा, या फिर वो पेपल में ट्रांसफर करेगा। इसके अलावा बहुत अदर तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैं केवल दो की बात कर रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। तो जैसे बैंक एक बीच में पेपल मान लेते हैं, तो पेपल क्या करता है, उसने मेरे पेपल के अकाउंट पे भेज दिया, फिर मैं क्या करूँगा, अपने पेपल से अपने बैंक पे ट्रांसफर करूँगा। तो ये प्रोसेस होती है ना जितनी भी, ये बड़ी लंबी प्रोसेस होती है, लंबी इन द सेंस कि आपने उसने यहाँ भेजा, यहाँ होने के बाद वो करेंसी कन्वर्ट होती है, तो पहले कन्वर्जन चार्जेज लगते हैं। अगर वो वहाँ से डॉलर में भेज रहा है तो रुपये में तो भेजेगा नहीं, डॉलर में उसने भेजा, उसने भेजने के बाद वो मेरे पास करेंसी कन्वर्ट होके मेरे बैंक पे जाके वेरीफाई होके मेरे पास आएगी। तो यहाँ पर क्या होता है, एक्सेस ऑफ फीस, एक्सेस विद फीस चेंजेस चार्जेस फॉर करेंसी एक्सचेंज और प्रोसेसिंग डिले। जब भी कोई दूसरे देश से करेंसी आती है ना, और जब वो हमारे बैंक पे आती है, तो उसमें डिले होता ही होता है। तो ये चीज़ जो है, इस चीज़ को बचाने के लिए रिपल को बनाया गया। जब भी आप ट्रांसफर करेंगे किसी को, आप करें या फिर बड़े इंस्टीट्यूशन करें, बड़े इंस्टीट्यूशन का मतलब वो वाले इंस्टीट्यूशन नहीं है, यहाँ पर कोई जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं बड़े, अगर वो लोग यूज करेंगे तो वो इन चीज़ों से बच सकते हैं। एक बैंक में बहुत सारे लोग होते हैं जो इन्हीं चीज़ों को संभालते हैं, ये चीज़ें होती है वहाँ पर को। अब मान लो एक ऐसा प्रोटोकॉल बना है, ऐसा ब्लॉकचेन बना हो कोई, जहाँ पर कोई इजिली ट्रांसफर हो जा रहा है और जो फीस लग रही है वो भी कम लग रही है, फटाफट अगर पेमेंट आ रहा है, तो वो चीज को कौन यूज नहीं करना चाहेगा, अब यहां से समझना। तो ये बेसिकली इस तरह का कॉइन है, ये उस तरह का कॉइन नहीं है कि सेफ है, सिक्योर है, या फिर क्रिप्टोस पे काम कर रहा है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है या फिर कुछ और चल रहा है, ऐसा नहीं है इसमें कुछ भी। ये बेसिकली हमारे पेमेंट को सही करने के लिए बनाया गया है। जो पेमेंट हम बाहर से भेजते हैं, अपने पास रिसीव करते हैं, उसको और स्मूथ बनाने के लिए, उसको और फास्ट बनाने के लिए, उसको और कन्वीनियंट बनाने के लिए इस रिपल प्रोटोकॉल का यूज को बनाया गया है, इस पेमेंट सिस्टम को बनाया गया है। अभी ये कह रहे हैं कि इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओपन सोर्स पेमेंट सिस्टम एंड दैट्स स्टिल इन बीटा वर्जन। ये बीटा फेज पे काम कर रहा है, इस पर काम हो रहा है, इस पे काम किया जा रहा है अभी भी, और ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब जानते हो आप लोग, मैंने पहले बहुत बार समझाया है, ओपन सोर्स पेमेंट सिस्टम है। तो ये इसकी एक टोटल डेफिनेशन है। अब यहाँ पर समझो क्या है कि यहाँ पर क्या हुआ था, जब भी हमने अपना अकाउंट स्टार्ट किया था तब ये रिपल था 13 रुपये का,
जो मार्केट में अभी रिपल हैं वो समथिंग मेरे हिसाब से 36 अरब के आसपास है जो सर्कुलेट हुए हैं, और जो टोटल रिपल हैं वो हैं आपके 100 बिलियन के आसपास। ये कह रहे हैं कि द कंपनी प्लान्स टू अल्टीमेटली क्रिएट 100 बिलियन रिपल, ठीक है। अभी ये 100 बिलियन तुम लगाओ, इसका हिसाब कितना होगा 100 बिलियन का, तो इतने रिपल मार्केट में हैं, जो सप्लाई है वो 36 अरब सप्लाई चल रही है। अब सबसे मेन चीज ये आती है कि बहुत सारे लोग किसी भी करेंसी को जब परचेज करते हैं तो वो इन इनके ग्रोथ को देखते हुए परचेज करते हैं। वो कहते हैं कि यार बिटकॉइन का भी 200 रुपये का था, फिर 2000 का हुआ, फिर 950,000 का, 14 लाख का गया, अभी दोबारा कम हो गया। वैसे वो लोग इथेरियम को देख रहे हैं तो वो सोचते ऐसा है कि XRP में भी यही ग्रोथ आएगी, समझना इस बात को। हाँ, लोग जब इन्वेस्ट करते हैं तो वो सोचते हैं कि आज 69 रुपये का अगर मैं खरीदूंगा तो इसमें बहुत तगड़ी ग्रोथ मिलेगी, मुझे मिलेगी, एक दिन 10,000 का हो जाएगा, 20,000 का हो जाएगा। देखो ऐसा है, जो मार्केट में ये कॉइन है ना, बिटकॉइन, इथेरियम और जो अदर कॉइन है, ये कम है एज कम्पेयर टू XRP। अगर तुम इसे देखो ना तो बहुत कम नजर आते हैं। 36 अरब का मतलब जानते हो, 36 अरब बहुत ज्यादा होता है, और 2 करोड़ और 9 करोड़ में बहुत, 9 करोड़ अगर 10 करोड़ मानो तो बहुत अंतर होता है। जब 100 करोड़ को कहते हैं 1 अरब, ठीक है, तो मार्केट में जो BTC है एग्जैक्टली कितने साल, मैं बार बार सोचता हूँ देखने के लिए, देख नहीं पाया। ये होंगे करोड़, उसमें ही होंगे 2 करोड़ 2.5 करोड़ ऐसे कुछ होंगे, ज्यादा से ज्यादा जो BTC होंगे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर तुम इस करोड़ को देखो और इस अरब को देखो तो इसके बीच में बहुत बड़ा अंतर है। इस हिसाब से जो तुम ग्रोथ देख रहे हो कि 10,000 20,000 में पहुंचेगा, तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। जहां तक देखो, जितनी मैं समझता हूं ना, मैं कोई इतना बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन जितना मुझे लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये 10,000 जो सोच रहे हैं बंदे, वो मुझे नहीं लगता है कि ये कभी हो पाएगा, क्योंकि 36 अरब तो ये है और बाकी आधे से ज्यादा उन लोगों ने अपने पास होल्ड किए हैं। जो रिपल है, जो बेसिकली एक कंपनी है, उन लोगों ने अपने पास इस कॉइन को रखा है, आधे कॉइन उनके पास है। तो तुम सोचो मार्केट कितनी बड़ी होगी, वो कंपनी की वैल्यू क्या चली जाएगी 10,000, अगर एक रिपल 10,000 का होगा। मैं बार बार फेसबुक का एग्जांपल लेता हूँ कि फेसबुक इतनी बड़ी कंपनी है और उनका शेयर प्राइस जो है मार्केट में वो 12-14 हज़ार के समथिंग होगा, 12,000 या 14,000 रुपया। और आप देखो कि कोई भी एक चीज़ है, अभी काम तुम्हारा नहीं हो सकता क्या, अगर तुम पेपल से भी ट्रांसफर करते हो, समझना इस चीज़ को, जो जिसने यहाँ तक देख लिया वो पूरी चीज़ समझना, आगे और चीज़ें बताऊँगा। जिसने जो मार्केट में रिपल है, रिपल जो काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, हम कह रहे हैं चलो एक चीज़ को बहुत बढ़िया करने के लिए आया है, यानी कि जो डिले हो रहे हैं, जो एक्सेस फी ज़्यादा फी लग रही है हमारी, और जो चीज़ें सही से नहीं हो पाती, उसको सही करने के लिए रिपल प्रोटोकॉल का को बनाया गया है। लेकिन कहने की बात यह है कि एक चीज़ होती है कि करेंसी का दाम कितना होना चाहिए। अब तुम देखो बड़ी बड़ी कंपनियां, फेसबुक छोटा मोटा काम नहीं करती, फेसबुक बहुत बड़े बड़े काम कर रही है। एक तो उनका सोशल मीडिया ऐप चल रहा है उतना बड़ा, दूसरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे वो लोग काम कर रहे हैं। मैं सोच रहा था कि मुझे अगर मौका मिलेगा तो मैं ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम हो रहा हो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो आने वाले समय का फ्यूचर है। हम लोग सभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे पूरी तरीके से डिपेंड होने वाले हैं आने वाले समय पे। तो मुझे लगता है कि उस जगह पे इन्वेस्ट किया जाए जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या इस तरीके से काम कर रहा। अभी ब्लॉकचेन जो चीज़ है ना, ये जो ब्लॉकचेन है, क्रिप्टो करेंसी है, जो कॉइन ये प्रोवाइड कर रहे हैं सॉल्यूशंस को, ये भी बहुत अच्छे सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। ये भी आने वाले समय के सॉल्यूशन है, ऐसा नहीं है कि आज या कल में चीज़ें हो जाएंगी। कई सारे जो विजन लेके आए हैं वो विजन ऐसे हैं, उनकी लाइफ जो है ना वो स्टार्ट ही 2 साल बाद से होगी, 2 या 3 साल बाद, जब वाइड लेवल पे लोगों के पास वो टेक्नोलॉजी होनी भी चाहिए ना, लोगों को पता भी तो होना चाहिए उस विजन का उनका क्या यूज़ है। अगर कोई इंसान इस विजन के साथ आया है कि आपकी आइडेंटिटी को मैं सिक्योर करता हूँ, अगर मान लिया कोई ऐसा कह रहा है, कोई करेंसी ऐसी आई हो जो कहती है कि आपकी आइडेंटिटी जो है, जहाँ आप यूज करते हो, जिस भी वेबसाइट में या कहीं पर भी, मैं उसको सिक्योर करूँगी अगर आप मेरा यूज करोगे तो, इस प्रोटोकॉल का यूज करोगे तो। लेकिन लोगों को समझाएगा कौन, लोगों को बताएगा कौन कि तुम्हारी सिक्योरिटी को अपडेट करने के लिए करेंसी है, ये है, वैसा है। लोग झाड़ में फंसना पसंद नहीं करते, लोगों को इतने झाड़ नहीं चाहिए, उनको चाहिए जो चीज़ है चलो चलने दो, जब भी होगा वाइड लेवल पे हमारे तक भी वो चीज़ आ जाएंगे तो हम भी कर लेंगे। तो मैं वो कहना चाह रहा हूँ, अब उसको समझो। तो XRP का प्राइस ये था कि 12-13 रुपया था जब हमने परचेज किया था। मैंने इसको परचेज किए थे 800, रिपल टोटल 800 किए थे और उस टाइम पे 12-13 रुपये का समथिंग चल रहा था रिपल। तो मेरे को ये था कि मैंने रिपल देखा, मैंने कहा सस्ता कॉइन है, 12-13 रुपये का है, बाकी सारे तो यहाँ 1000 के ऊपर ही पहुँचे थे, तो मैंने कहा सबसे सस्ते को ही परचेज करो। परचेज करने के बाद मैंने थोड़ा पढ़ा, देखा, देखने के बाद मुझे लगा कि यार चलो सही है, अगर बैंक वगैरह में यूज होता है, बहुत पहले से लिखा है, ये आज से थोड़ा लिखा है, ये लिखा है कि जितने भी बैंकिंग फर्म्स हैं वो उसे आने वाले समय पर यूज कर सकती है, और अभी आगे बताऊँगा कहाँ का यूज़ हुआ है ये। तो उस हिसाब से मैंने रिपल को देखा, मैंने परचेज किया,
परचेज करने के बाद मैंने सब कुछ एनालाइज किया, मुझे चाहिए था गेन, जैसा गेन हुआ इथेरियम पे, जैसा गेन हुआ बीटीसी पे, वैसा मुझे चाहिए था गेन, कि मुझे ऐसा गेन मिले। जब मैंने देखा वहाँ पर, मुझे लगा कि यार इसमें वो बात नहीं हो पाएगी, होगी भी तो मतलब होगी भी तो कहाँ तक होगी वो देखने की बात है, 500 या 1000, मुझे ऐसा लगता है यार, जितना मैं समझता हूँ, ठीक है। तो मुझे लगा कि इसको छोड़ के दूसरे कॉइन पर डाला जाए, जहाँ पर कोई एकदम से चीज़ें ऊपर जाए, जहाँ पर कॉइन कम हो। कॉइन कम होने बहुत ज़रूरी है दोस्त, कोई भी मार्केट में जो भी चीज़ें आ रही हैं उनके कॉइन अगर ज़्यादा है, देखो ज़्यादा उन्हीं के कॉइन होते हैं जो चीज़ें वाकई में यूज़ होने के लिए बनी होती है। अभी 36 अरब 38 अरब अगर इन्हें मार्केट में सर्कुलेट किए हैं तो ये बड़ी फर्म्स के लिए बनाए गए हैं ना, कि वहाँ पर बंदे उनका यूज़ करेंगे तो उनको तो ज़्यादा टोकन चाहिए चाहिए ऑलरेडी, ठीक है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ज़्यादा वहाँ पर होते हैं जहाँ पर कोई उस तरह की चीज़ होती है, तो ज़्यादा कम से भी मतलब अगर तुम ये समझो कि कई सारे कॉइन ऐसे हैं जिनमें वो दम है ही नहीं, वो बात है ही नहीं, उनका विजन अच्छा है भी नहीं, फिर भी उनने इतने कॉइन लॉन्च कर रखे हैं सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए, सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए। बहुत सारे कॉइन हैं ऐसे, XRP की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। तो XRP के रिगार्डिंग मैं क्या कह रहा हूँ कि 12-13 रुपये था, 14 रुपये में गया, हमने देखा, परचेज किया, ट्रेडिंग करी, मैंने ट्रेडिंग करी है XRP में बहुत ज़्यादा। जब ये 30 पैसा 40 पैसा बढ़ता था तो मैं खरीदता था, बेचता था, फिर खरीदता था, फिर बेचता था, ये काम मैंने किया, लेकिन मेरा मन भर गया XRP से। बाद में मैंने देखा, समझा, मैंने कहा छोड़ो यार, अभी ऐसे कॉइन पर डालो जहाँ पर कोई इंस्टेंट ग्रोथ हो। इंस्टेंट का मतलब क्रिप्टो मार्केट है भाई, यहाँ किसको पता चल रहा, तुमको पता है क्या कौन सी करेंसी कब कहाँ जाएगी, इतनी सारी करेंसी मार्केट पे है। जाके इस पे नज़र डालो बाइनेंस पे, बाइनेंस पे देखो कितनी सारी करेंसी है, उन करेंसी में हर करेंसी एक न एक करेंसी ऐसी है जो हर दिन के 70% 80% का गेन करती है। गलती से अगर तुमने उस करेंसी को एक दिन पहले परचेज कर लिया और 100% वो चली गई तो दुगना तो तुम्हें एक ही दिन में मिल रहा है, हो सकता है कहीं लॉस में जाओ तुम, लेकिन एक बात समझो। तो मैंने कहा कि ऐसी करेंसी पर डालते, तो ये हुआ। अब क्या हुआ, 14 रुपये के बाद प्राइस बढ़ने शुरू हुए, तो वो समझो फंडा क्या है, वहां से तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुम्हें XRP पे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फंडा ये शुरू हुआ कि XRP में ये जो जापान है, जापान और साउथ कोरिया के करीबन 70 जो बैंक है, उन्होंने क्या किया, रिपल ब्लॉकचेन नेटवर्क का यूज करने का, उन्हें इससे यूज करने की कोशिश करी, मतलब उन्हें ये तरीका देखा कि यार रिपल ब्लॉकचेन को हम वाकई में इंप्लीमेंट कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। तो इनने क्या लिखा है, बाय अर्ली स्प्रिंग 2018 मोर देन 70 जापानीज एंड साउथ कोरियन बैंक आर सेट टू प्रोसेस बॉर्डरलेस ट्रांजेक्शन बिटवीन द टू रीजन यूजिंग द रिपल ब्लॉकचेन नेटवर्क। यानी कि ये बैंक जो है 2018 के स्टार्टिंग में, यानी कि ये चल रहा है दिसंबर 2018 का स्टार्टिंग यही है, या हो सकता है जनवरी, तो उसमें क्या करेंगे, ये रिपल ब्लॉकचेन नेटवर्क का यूज कर सकते हैं अपने ट्रांजेक्शन को और स्मूथ बनाने के लिए, बॉर्डरलेस ट्रांजेक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए, जो आज वो लोग इस तरीके से काम कर रहे हैं कि करेंसी को एक्सचेंज कर रहे हैं, जो पहले का मॉडल है ना उससे हट के दूसरे मॉडल को ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से हमें बेनिफिट मिलता है कि नहीं मिलता है। क्योंकि रिपल ब्लॉकचेन जो बना है, ये जो नेटवर्क बना है रिपल का, ये बेसिकली इन्हीं लोग के लिए बना है। तो अभी क्या हुआ, कुछ बैंक्स ने, जो जापानीज बैंक और साउथ कोरियन बैंक है, उनने इसको अपने यहाँ पर को इम्प्लीमेंट करने की वो करी है, कोशिश कर रहे हैं, आगे कर रहे हैं उस पर काम। तो इससे क्या हुआ, इससे एक तो इसके प्राइस सडनली बढ़े, ये न्यूज़ आई थी कि 61 बैंक जो हैं, पहले न्यूज़ आई थी 61 बैंक ने अपने यहाँ पर कोई इम्प्लीमेंट करना, इसे शुरू करना कर दिया है या फिर करना चाह रहे हैं, जो भी है, इस तरीके की न्यूज़ आई थी, उससे मार्केट में बहुत इसका वो बढ़ा, मतलब एकदम से इसके प्राइस की कीमत बढ़ी। 14 रुपया था, फिर 20 रुपया हुआ, उसके बाद 40 हो गया, 60 हो गया, 80 भी गया एक बार बीच में, 81 रुपये तक का गया था, 81 रुपये तक का। तो ये इस न्यूज़ की वजह से कि लोग बैंक इसे इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, और दूसरा बैंक तो इसे इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, केवल साउथ कोरिया और जापान का हिसाब नहीं है, ये पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के जितने भी बैंक हैं ना, वो कहीं ना कहीं रिपल ब्लॉकचेन नेटवर्क को अपने साथ कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, कैसे इसका फायदा ले सकते हैं, कैसे इस पर काम कर सकते हैं, उसके बारे में देख रहे हैं, उसके बारे में रिसर्च कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि उनके यहाँ पर ये इम्प्लीमेंट हो सकता है। तो बैंक ऐसा सोच रहे हैं, और अगर ये इम्प्लीमेंट होता है सक्सेसफुली, अगर ये चीज़ चलती है, तो ये जाहिर सी बात है कि तुम्हारी जो करेंसी है जो 69 रुपये की है, ये बढ़ बढ़ के जाएगी आगे ही। अब ये नहीं पता कितनी इसमें ग्रोथ मिलेगी, कितना इसका ग्रोथ जाएगा, लेकिन ये बिल्कुल सही तरीके से, जो स्टेबिलिटी के साथ ग्रोथ बढ़ती है ना आराम आराम से, उस तरीके से ये जाएगी। तो मतलब ये है कि घबराने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे बिटकॉइन है, बिटकॉइन में लोग पहले से ही घबरा रहे थे, अभी से क्या, बहुत बहुत पहले से, जब ये 4 लाख रुपये का था तब सोचते थे कि 2 लाख रुपये में जा सकता है, ठीक है, जब ये 10 लाख का हुआ तो लोग सोचते थे कि 5-6 लाख में आ सकता है, इसमें घबराहट होती है। लेकिन XRP में आपको उस तरीके से घबराने की जरूरत नहीं है,
अगर बैंक में किसी भी एक बैंक में सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया, चल गया, वहां पर प्रोसेसिंग अच्छे तरीके से होने लग गई, उसके बाद इसमें सडन ग्रोथ आएगी। अभी तो इतनी ग्रोथ दिखी है तुम्हें, आने वाले समय में और तगड़ी ग्रोथ दिखने को मिल सकती है। लेकिन ये देखना है कि ये होता है या नहीं होता है, या फिर क्या होता है। बनाया तो उन्हीं के लिए है, और बीटा वर्जन पे, वो कह रहे हैं बीटा वर्जन पे है, तो बहुत समय से काम चल ही रहा है उस पर। वो आगे ब्लॉकचेन को भी इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर कैसे वो इंटीग्रेट करेंगे, उस तरीके की पूरी बातें चल रही है। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ इसके बारे में ये देखो कि रिपल जो है, इनने लिखा है यहाँ पर को कि एक बंदा है, उसने हिंट दिया है कि न्यू रिपल पार्टनर विल कम एज अ सरप्राइज टू द रिपल कम्युनिटी, सजेस्टिंग दैट रिपल विल लाइकली टू बी पार्टनरिंग विद अ लार्ज इंस्टीट्यूशन। तो ये लोगों ने एक हिंट दिया है, जो इसके साथ जुड़े हैं, सीईओ वगैरह होंगे इसके, उनने एक हिंट दिया है कि एक बहुत बड़े जो इंस्टीट्यूशन है वो आने वाले समय में इनके साथ पार्टनरशिप करने वाले हैं। इसका मतलब जानते ही होंगे आप लोग पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, कि मतलब इनके साथ वो जुड़ेंगे तो इनके साथ उनका लेन देन चलेगा जो भी होगा। तो उस तरीके से अगर कोई इनके साथ बड़ी फर्म्स पार्टनरशिप करती है तो समझ लो कि ये रिपल का दाम तो बढ़ना ही बढ़ना है। समझ रहे हो बात को? अभी तो इतने ही लोग कर रहे हैं, जब भी वो करेंगे तो इसका दाम बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो मेरे हिसाब से जो लोग सोच रहे हैं वो दो तीन चीज़ों को देखो कि मार्केट में रिपल हैं बहुत ज़्यादा। अगर तुम उस ग्रोथ को लेकर चल रहे हो जो BTC या इथीरियम पे तुम्हें दिखाई दी, तो मेरे हिसाब से वो ग्रोथ तुम्हें नहीं मिल पाएगी, है ना? मैं ऐसा सोचता हूँ, मैं गलत हो सकता हूँ, हर कोई इंसान गलत होता है, कितने लोग क्या क्या बातें बोलते हैं गलत होते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि वो ग्रोथ नहीं दिख पाएगी। लेकिन आप आराम आराम से अगर ऊपर जाना चाहते हो तो मेरे हिसाब से जो ये लोग काम कर रहे हैं रिपल में, जो टीम काम कर रही है, और जो बैंक की तरफ से जो इनिशिएटिव हो रहा है, वो लोग चाह रहे हैं कि रिपल का भी यूज करें, तो उस हिसाब से इसका मार्केट पॉजिटिव दिखाई देता है आने वाले समय के लिए, और जो बंदा इन्वेस्ट करेगा उसको एक प्रॉफिट मिल सकता है। अब मैं क्या करूंगा वो बता रहा हूँ। मैं पर्सनली ऐसा कर रहा हूँ कि मैं रिपल पर इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। वो मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे दूसरी करेंसी और अच्छी लग रही है, मुझे लगता है कि वो करेंसी भी बहुत अच्छी है, तो मैं बजाय रिपल के दूसरी करेंसी पे करना चाह रहा हूँ। ये मेरी पर्सनल सोच है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मान लेते हैं आपको एक टीम में से एक प्लेयर सेलेक्ट करना है। आप लोग खेलते हो ऐसे फैंटासी वाले गेम होते हैं, उसमें क्या होता है आप टीम बनाते हो, तो वहां पर क्या होता है कुछ एक खिलाड़ी ऐसे होते हैं जिनको आप हर बार परचेज करते हो, और कुछ एक ऐसे होते हैं जिनको आप कभी परचेज नहीं करते, मतलब कभी उनको सेलेक्ट नहीं करते हो। क्यों नहीं करते हो? क्योंकि तुमने एक बार उन्हें सेलेक्ट किया, वहां से कुछ तुम्हें हुआ कि लगा कि यार इस पे दम ही नहीं है, इस पे बात ही नहीं है, तो तुमने छोड़ दिया उसको। बात कहने का मतलब समझो कि अच्छे अच्छे प्लेयर भी जो होते हैं कई बार तुम उसे सेलेक्ट नहीं करते हो। तो ये मेरी पर्सनल चॉइस है, पर्सनल चॉइस है कि मैं रिपल के साथ नहीं जाना चाहता आगे, चाहे रिपल बढ़े चाहे घटे चाहे कुछ हो। जैसे मैंने बिटकॉइन को छोड़ा, बिटकॉइन में मैंने कभी पहले बार इन्वेस्टमेंट करी थी, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट, और वही मेरी सबसे आखिरी इन्वेस्टमेंट थी, पहली इन्वेस्टमेंट मेरी आखिरी इन्वेस्टमेंट बनी। उसके अलावा मैं दूसरे कॉइन को देखता हूँ, और मैं मेरी स्ट्रेटेजी जानना चाहते हो अगर, तो मैं क्या कर रहा हूँ वो बताता हूँ। मैं ये करता हूँ कि जितने भी कॉइन कम कीमत के हैं, और जितने भी कॉइन कम कीमत के होने के बावजूद उनके विजन में बहुत अच्छा विजन लेके आए हैं, अलग सा विजन हो, कुछ यूनिक हो, ऐसा नहीं कि जैसा चल रहा है एक इथेरियम आया, इथेरियम के जैसे 10 कॉइन आ गए मार्केट पे जो सेम इथेरियम के जैसे काम कर रहे हैं। BTC आया, BTC के बाद कितने कॉइन आए जो BTC की तरह ही काम कर रहे हैं, वो थोड़ा सा BTC से कुछ ज्यादा दे रहे हैं, वो कह रहे हैं बिटकॉइन में ये नहीं है तो हमारे पास ये है। उस चीज को देखना, मैं वो चीज कह रहा हूँ तुम लोगों से कि मार्केट में तुम क्या देखते हो। तुम हम लोग को, कई सारे लोगों को पता ही नहीं है, हम सोच रहे हैं सारी सारी करेंसी है, लगाओ इसमें बेनिफिट मिलेगा उसमें बेनिफिट मिलेगा। एक जैसी करेंसी में, मेरे हिसाब से एक जैसी करेंसी अगर तुम यूज करते हो तो उसमें क्या है ना, बेनिफिट तो पता नहीं क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, लेकिन उसमें पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती हैं। लेकिन अगर कोई करेंसी बिल्कुल यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ मार्केट में आई है, और ऐसा कॉन्सेप्ट है जो तुम्हें लगता है कि यार हो सकता है आने वाले समय में इस चीज़ की वाकई में रिक्वायरमेंट हो सोसाइटी को, या फिर गवर्नमेंट को, या फिर किसी भी एजुकेशनल किसी भी इंस्टीट्यूट को, अगर इसकी रिक्वायरमेंट होती है तो उस कॉइन के दाम बहुत जल्दी बढ़ेंगे। और फिर देखना उस कॉइन, वो कॉइन कितने सर्कुलेट हुए हैं मार्केट पे। अगर बहुत ज़्यादा सर्कुलेशन हुई है तो प्राइस उसके धीरे धीरे ऊपर जाएंगे, अगर जाएंगे भी तो बहुत धीरे धीरे जाएंगे, और उनमें जो ग्रोथ होगी वो ऐसे सडन ग्रोथ नहीं आएगी। सडन ग्रोथ केवल उन कॉइन में आती है जो कॉइन कम होते हैं, और जो कॉइन कुछ अलग होते हैं, हटके होते हैं, या फिर कुछ होता है उनके अंदर बात, उन कॉइन्स में सडन ग्रोथ आती है। जैसे 30 रुपये का है तो एकदम से बिल्कुल 200 रुपये चला जाए, 300 चला जाए, उसके बाद 1000 में आ जाए, 2000 में आ जाए, कुछ इस तरह के कॉइन जो होते हैं ना। अब जरूरी नहीं है वो यूनिक हो, काम भले ही वो किसी फॉर्मेट पे कर रहे हो सेम फॉर्मेट पे, लेकिन अगर वो कम है मार्केट में और अच्छी चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं तो ऐसा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। ये मैं आपसे बात कह रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से जो इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं उनके लिए मार्केट एक तरीके से जो मुझे लगता है वो सिक्योर है,
सिक्योर है, क्योंकि बैंक्स और बड़े बड़े फर्म्स, ये बैंक की बात नहीं है, कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी इसको इम्प्लीमेंट कर सकता है अपने अपने साथ, देख सकता है आने वाले समय पे कि मैं रिपल ब्लॉकचेन नेटवर्क का यूज करूँ। तो इस हिसाब से वो चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको कि उस हिसाब से अगर आप देखो तो इसका फ्यूचर ब्राइट नज़र आ रहा है, अच्छा नज़र आ रहा है। और ये आपकी इन्वेस्टमेंट अगर आप इस पर करते हो सही समय पर करना, मैं ये बात बता रहा हूँ आप लोग को, 68 रुपये का प्राइस जो है ना परचेज करने का, तो मैं भी कर लेता अगर मुझे इन्वेस्टमेंट मेरी दुगनी भी हो जाती तो उसमें तो मेरा ही बेनिफिट है। जब ये 16, 18, 20 का गया तभी मैं परचेज कर लेता, अभी मैंने कभी नहीं किया। मैंने स्टार्टिंग में किया था 14-15 रुपये में, 20 रुपये में मैंने बेच दिया था, और 40 रुपये में दोबारा एक बार मैंने उससे पहले परचेज करके जब ये थोड़ा प्राइस ऊपर गया था मैंने बेच दिया था, उसके बाद मैंने नहीं किया। क्योंकि मेरे को देखो अपने अपने इंसान के पैसे का उसको यूज करें ना वो, तो मैं अगर अपने पैसे से कोई करना है गेम खेलना है, ये गेम ही तो है एक तरीके से, अगर तुम्हें खेलना है तो खेलो, अपनी मर्जी का खेलो। लॉस में भी जाओगे ना तुम्हें लगेगा कि मैंने अपनी इच्छा से किया, किसी के कहने पे तुमने चले गए और जाने के बाद फिर लॉस खा रहे हो, वो चीज़ें गलत हो जाती हैं, वो चीज़ें गलत होती है, वो मज़ा नहीं आ पाता। जब अपना इन्वेस्टमेंट करते हो खुद से या चलो एक बार XRP में ही सही, तो ज़्यादा मज़ा आता है। ये मैं तुमसे एक चीज़ कह रहा हूँ। अब बात करते हैं बिटकॉइन की। देखो वीडियो लंबा हो गया क्योंकि ये चीज़ें बतानी थी, बहुत सारे लोग पूछे थे इसलिए बताया मैंने। अभी बिटकॉइन के बारे में क्या है कि बिटकॉइन में भी बहुत सारे लोग घबरा रहे हैं, सारी बातें तो कल रात के वीडियो मैंने बताई थी, 4-5 बातें बताई थी। अब मैं कभी भी मैं ये सोचता हूँ कि मैंने जितनी वीडियोज में अपनी जो जो बातें बताई है मैं उनको रिपीट ना करूँ, ज़्यादा रिपीट केवल एक दो चीज़ कर सकता हूँ जो काम की चीज़ होगी, लेकिन फालतू में जो मैंने बोल दिया है वो मैंने बोल दिया है, उसके बाद मैं किसी चीज़ को आगे बोलूंगा नहीं, ऐसा मैं सोचता हूँ और कोशिश करता हूँ कि देख के अपनी वीडियोस, क्योंकि मैंने दोबारा रिपीट तो नहीं किया या बोला तो नहीं है इस तरीके से, तो वो चीज़ें मैं चाहता हूँ। क्यों चाहता हूँ? क्योंकि जितने भी पुराने बंदे हैं उन लोगों को हमेशा एक वीडियो में एक ही बातें सुनने को मिलेंगी, ये बातें अलग अलग होती मेरी हर वीडियो में, अगर वो एक ही बात को सुनेंगे तो उनको लगेगा कि यार वही बात है वही बात है वही बात है, मज़ा नहीं आएगा। तब मैं कह रहा हूँ कि अलग चीज़ होनी चाहिए। अब बिटकॉइन की अगर हम बात करें तो बिटकॉइन इतने का है, मार्केट में लोग घबरा रहे हैं, लेकिन तुम घबरा रहे हो उससे पहले एक न्यूज़ ये देखो कि यहाँ पर कोई एक ऐसा ग्रुप है ना ट्रेडर्स का, यहाँ पर लिखा है एन अननोन ट्रेडर और ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स हैज प्लेस्ड अ $1 million बेट दैट द बिटकॉइन प्राइस विल रीच $50,000 बाय द एंड ऑफ 2018 के आखिरी तक का जो बिटकॉइन का प्राइस है वो $50,000 को पार कर जाएगा, यानी कि 30 लाख से ऊपर 35 लाख 40 लाख तक पहुँच सकता है। ये देखो अब मार्केट में तुम्हें एक चीज़ और बता देता हूँ, जैसे मैं कहीं कहीं पे एक वो टर्म सुनता था, कहीं पे किसी की मैंने बात सुनी थी, वो कहते थे अंधभक्त, अंधभक्त करके एक चीज़ आती थी। मार्केट में बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना, बहुत बड़े बड़े लोग, समझदार लोग भी हैं, वो लोग ये मानते हैं कि बिटकॉइन का प्राइस जो होगा वो 30 लाख 40 लाख तो आराम से क्रॉस करेगा। उनसे दुनिया वालों ने कितना बोल दिया भाई बबल प्राइस है, इस प्राइस में कोई वो नहीं है, कभी भी नीचे जाएगा कभी ऊपर जाएगा, लेकिन वो मानते नहीं है, वो इतना कहते हैं कि बस जाएगा जाएगा, इस बात को मान लो। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कई सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत स्ट्रांगली इस बात पे बिलीव करते हैं कि इसका प्राइस इतना जाएगा। अब उनमें से हो सकता है कई सारे लोग को कुछ पता ही ना हो क्रिप्टो करेंसी क्या है, बिटकॉइन क्या है, दूसरे कॉइन उनने देखे ही ना हो, दूसरे भी तो बहुत सारे कॉइन आ रहे हैं मार्केट में। अगर उन लोगों ने केवल बिटकॉइन देखा तब वो शायद, कई सारे लोग ऐसा भी कह रहे होंगे, लेकिन कई सारे उनमें से समझदार हैं वो भी ऐसी बातें कह रहे हैं कि इतना ऊपर जाएगा। बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन से लोग जुड़े हैं जो इस बात को कह रहे हैं कि इसका प्राइस 30 लाख क्रॉस कर जाएगा, लेकिन बात दरअसल यह है कि जितने भी लोग बड़े लोग हैं ना वो ये चाह रहे हैं कि अगर एक बार ये प्राइस इतना ऊपर और चला जाए तो कुछ कॉइन अपने फिर से निकालें मार्केट। उन्हें तो देखो प्रॉफिट लेना है, क्योंकि इस प्राइस में ना इतने बड़े प्राइस पे तुम बिटकॉइन तो छोड़ो, तुम कोई सा भी कॉइन चला जाए, कितना ही अच्छा कॉइन चला जाए, इस प्राइस में अगर वो पहुंच जाए जो बिटकॉइन चल रहा है 9,60,000 बहुत होता है मेरे भाई, ये दिखने में कम लग रहा है ना अभी है, अभी लग रहा है क्योंकि 14 लाख से नीचे आया है, लेकिन ये है बहुत बड़ा प्राइस। तो इतने प्राइस में अगर कोई भी कॉइन जाता तो हमेशा उसमें रिस्क तो होता ही होता है, रिस्क हमेशा होता है। 3 लाख भी अगर तुम मानते ना इसका प्राइस, 3 लाख रुपया अभी अगर हो रहा होता 3 लाख, तब भी मार्केट में ये हो रहा था कि बिटकॉइन 3 लाख में चला गया, बिटकॉइन में हुई इतनी ग्रोथ, बिटकॉइन हो गया 3 लाख का, समझ लो मेरी बात को, लाख बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं कह रहा हूँ कि जब भी किसी भी उसमें जुड़ा हो तो उसके साथ रिस्क फैक्टर होते हैं कि वो ऊपर नीचे जाएगा, अगर उसमें ग्रोथ आ रही है तो एक दिन जब वो नीचे जाएगा तो अच्छे अच्छे को डुबा के जाएगा, ये हवा बयार तूफान आधी बम्बू तंबू ये सारे मैंने चीज़ें पहले बताई हैं, इसलिए मैं उसको रिपीट नहीं करूँगा, ठीक है ना। बहुत सारे लोग देखो जितने भी बिटकॉइन होल्डर हैं जो मेरी वीडियोज़ को देख रहे हैं, जिनने इन्वेस्ट किया था, स्ट्रैटेजी हमेशा एक ही होती है, स्ट्रैटेजी ये होती है कि जिस टाइम मार्केट नीचे जा रहा है तो उस टाइम पे अपने स्टार्टिंग में निकालो कॉइन, और अगर
नहीं है इससे लोग कोई भी बिटकॉइन से, तो उसको निकाल के फिर दोबारा देखो मत, अभी बढ़ेगा घटेगा वो मत देखना, कुछ निकाल देना अपने, 40% निकाल लो, 30% निकाल लो, लेकिन निकालो, मतलब पूरे ना निकालना, क्योंकि हो सकता है कभी कभी ऐसा होता है सडनली, मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है, मैंने जैसे ही डाले ना, जैसे ही मैंने कोई कॉइन रिलीज किया, मैंने आज शाम को अगर किसी कॉइन को बेचा है वो उसी के 3 घंटे बाद वो कॉइन में ऐसा ग्रोथ आया कि पूछो मत, कितने बार हुआ मेरे साथ ऐसा। तो जब भी हमें लगता है कि अभी नीचे जाएगा, अभी बेच देता हूँ, वहां पर के बाद बढ़ जाएगा, तो मैं कह रहा हूँ कि देखो मार्केट में बहुत पॉजिटिव लोग बैठे हैं, बहुत सारे लोग अभी भी क्या वो 5 लाख का जाएगा तब भी कहेंगे, वो ये कहेंगे कि बिटकॉइन का प्राइस 30 लाख क्रॉस करेगा। अब उनकी बात भगवान जाने वो क्या जानते हैं, मतलब वो क्या किस चीज़ के लिए कह रहे हैं, समझ रहे हो मेरी बात को, ओनली गॉड नोज उनके दिल में क्या बात है। तो ये मैं कह रहा हूँ तुम लोगों से, बिटकॉइन में जो है पॉजिटिव है मार्केट अभी भी, ऐसा नहीं है कि लोग का विश्वास घट गया है, हट गया है, फिर नीचे जाएगा, ये प्राइस ऊपर जा सकता है, अपने ओरिजिनल प्राइस जहाँ से नीचे आया 14 लाख पे, वो 14 लाख को दोबारा क्रॉस करके उसके भी ऊपर जा सकता है। तो तुम घबराने के बजाय सही तरीके से काम करो, लेकिन अगर ऐसा कहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि ऊपर ही जाएगा, किसी को नहीं पता इस मार्केट में, किसी को भी नहीं पता कि ये प्राइस कितना जाएगा। अगर पता होता ना किसी इंसान को, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, जो इंसान के पास 1 रुपया नहीं होता वो इंसान भी अपने 60,000 रुपये उधार मांगे किसी के बिटकॉइन पे डाल देता, क्योंकि उसे पता होता कि मार्च से लेकर दिसंबर तक का 12 लाख का हो जाना था कॉइन, 12 लाख का उसे प्रॉफिट मिल जाना था, तो वो डालता अपने कॉइन को, लेकिन नहीं पता है ना इसलिए नहीं डालता है कोई भी इंसान। तो ये मैं तुमसे कह रहा हूँ, तुम केवल मार्केट को समझ सकते हो और अपने हिसाब से अपने लॉस को बचा सकते हो। जब भी नीचे जा रहा है, जैसे सुबह गया था 8 लाख के समथिंग चला गया था एक बार, जिसने स्टार्टिंग में बेच दिया वो उसने शायद 8 लाख में दोबारा परचेज कर लिए होंगे कि यार ठीक है अभी इस पे दोबारा डालो, जो 30% ऊपर बेचे थे अभी दोबारा इसको खरीद लो, जब भी ऊपर जाएगा तो फिर बेच दूंगा, ऐसी ट्रेडिंग कर करके मैं थोड़ा बना लूंगा अपना। और कौन सा किसी इंसान ने पूरा परचेज कर लिया, बहुत सारे लोग होंगे जिनने पूरा परचेज किया होगा 9.5 लाख का या 14 लाख का, पर बहुत सारे तुम में से ऐसे होंगे जिनने 10,000 5,000 की इन्वेस्टमेंट करी होगी और 30% के हिसाब से अगर नीचे गया है, अगर मान लेते हैं 30% या 35%, तो इतने तो बहुत सारे कॉइन नीचे गए हैं, मेरे खुद के कितने कॉइन नीचे 35% में चले गए। तो उसमें इतना घबराने की, इतना डरने की बजाय उसमें देखो मार्केट क्या चल रही है, कोई और न्यूज़ क्या आ रही है, उसको समझो बात को। बहुत सारी चीज़ें हुई हैं बिटकॉइन के साथ अभी अभी, केवल इसी एक हफ्ते के अंदर, और इसी हफ्ते के अंदर इतनी चीज़ें हुई हैं कि क्या बताऊँ, उसके कारण ये प्राइस नीचे गया है। वरना मैं बता रहा हूँ बाकी सारे कॉइन में कोई कुछ कर सकता है, लेकिन बिटकॉइन के लिए बहुत कम लोगों की मजाल है जो कुछ कर दें, पंप जो ये हो सकता है ना प्राइस को मैनिपुलेट करना, ये लोग कर सकते हैं, क्योंकि 1,000 लोग के पास 40% बिटकॉइन पड़ा है पूरे मार्केट का। लेकिन बिटकॉइन में लोगों का ट्रस्ट भी बहुत ज़्यादा है, सारे बच्चों को सारे लोगों को बिटकॉइन पता है, जो भी इन्वेस्टमेंट करेगा अभी किसी को पता चल जाए कि बिटकॉइन नीचे आया है, बंदा सट से इन्वेस्टमेंट करेगा 10,000 रुपये की। इस वजह से मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मार्केट ऊपर भी जाएगी, जा सकती है, उस हिसाब से तुम अपना करो चीज़ों को। अगर लॉस में तुम चल लग रहा है कि यार नहीं यार फंस जाऊंगा, ऐसा भी हुआ है कई बार, 6-6 महीने तक का मार्केट नीचे चली गई, मतलब जिस प्राइस पे गई थी ना अपना ऊपर ग्रोथ होके ऊपर गया जून तक का, ऐसा कुछ था चार्ट में, देख के बताऊंगा एग्जैक्टली, लेकिन वो जून का ही टाइम था शायद, जहाँ पर सारे प्राइस ऊपर गए थे सारे कॉइन्स के, धीरे धीरे ऊपर गए वो मार्च से, लेकिन उसके बाद सारे कॉइन फिर नीचे गए, फिर अपनी इनिशियल उसमें आने में 6 या 7 महीने लग गया, 5 या 6 महीने लग गया। तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई कॉइन जब नीचे जाए एकदम से, तो फिर जाके वो अपनी ग्रोथ को पकड़ने में उसको टाइम लग जाए, वहाँ पर केवल बंदा ट्रेडिंग कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता, बाइंग और सेलिंग उस टाइम पे। वो ये नहीं कर सकता कि कोई कॉइन को मैं परचेज करूंगा एकदम से इतनी ग्रोथ आ जाएगी, ये तो मोमेंट होते हैं, ये मोमेंट आया था अक्टूबर का टाइम, जिस बंदे ने अक्टूबर के स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट करी सारे के सारे बंदों ने एक गजब का गेन लिया है, सारे के सारे बंदों ने, ऐसे यही चीज़ें होती हैं। जिस महीने में तुम आ जाओ, तुम्हारा अगर होगा ऊपर वाले ने तुम्हारे लिए लिखा है, तो तुम जाओगे किसी की वीडियो तुम्हें मिली जाएगी कहीं ना कहीं से, तुम जाके अकाउंट क्रिएट कर ही दोगे, ठीक है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ऐसा करना है तो मेरी स्ट्रेटेजी यह है कि जितने भी सारे कॉइन ऐसे हैं जो कि 100 जो क्या कहते हैं कम प्राइस के हैं और अच्छे विजन के साथ मार्केट पे आए हैं, मैं उन सारी करेंसी को थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कर रहा हूँ उनमें, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, 1,000 रुपये की अगर मान लूँ, मुझे अगर वो 100 100 कॉइन भी मिल जाए ना तो वो मैं रखना चाहता हूँ। वो इसलिए रखना चाहता हूँ कि 100 कॉइन जिसने XRP के रखे होंगे स्टार्टिंग में जब ये प्राइस बहुत कम था, तो आज 68 रुपये का हो गया है, 68 रुपये बहुत बड़ी बात होती है ना, 70 गुने का गेन हो जाए, 100 रुपये का गेन हो जाए, 100 गुने का गेन हो जाए किसी कॉइन पे, कोई कॉइन 1 रुपये का हो 100 रुपये का हो जाए, और तुमने 100 कॉइन लिए थे, 1 रुपये के 100 कॉइन लिए थे, मतलब 1 रुपये में
एक कॉइन, तो 100 कॉइन हुए 100 रुपए के, तुमने 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट करी स्टार्टिंग में, सही चीज के साथ तुमने इन्वेस्टमेंट करी और आज उसका प्राइस हो गया 10,000 रुपया, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। अब मार्केट में ऐसा दिखेगा बार बार तो ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कह सकता हूँ कई सारे कॉइन ऐसे हैं अभी भी, और मार्केट में बहुत सारे लोग का आना बाकी है। क्रिप्टो मार्केट में अभी बहुत लोग आएंगे, अभी तो बहुत कम लोगों को पता चला है, अभी तो लोग आएंगे वाकई में। बहुत सारे लोगों ने ट्रेडिंग करनी है यहाँ पर को, मतलब बाइंग और सेलिंग करनी है, कई सारे लोग का तो अकाउंट बना ही नहीं आज तक। तो ये चीज़ें मैं बता रहा था इस वीडियो में गाइज, ये था पूरा, जिसने सुना थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहो, आबाद रहो, यहाँ रहो या गाजियाबाद रहो।